अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ बैगन गोश्त बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 300 ग्राम गोश्त। मैं बगैर हड्डी की बोन पकाना पसंद करती हूँ। इसके अलावा ये आधा किलो बैगन लिए हैं मैंने। ये एक कटा हुआ प्याज है मीडियम साइज़ का। ये दो चम्मच धनिया है, आधा चम्मच लाल देगी पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गर्म मसाला। इसके अलावा ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 2-3-4 हरी मिर्चें हैं, 2 कटे हुए टमाटर, ये लहसुन थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसमें से 2 चम्मच डालने वाली हूँ, और ये आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। इसके अलावा ये रिफाइंड ऑयल लिया है, ये थोड़ा आधा कप से थोड़ा ज़्यादा ही है। और इसके अलावा ये मैंने भुनी हुई प्याज भी रखी है। मैं आपको असल में आज जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो क्विक है, इजी है, टाइम सेविंग है। मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम भुने हुए पहले से हमारे पास भुना हुआ प्याज रखा हो तो हम उसके साथ में सालन को कैसे चढ़ाएं। तो इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी एक ये प्याज जो है थोड़ी मीडियम साइज़ की मैंने पहले से फ्राई करके रख ली है। और पहले हम ये करने वाले हैं कि इसके अंदर ऑयल डालेंगे, फिर बोटियाँ, क्योंकि हमारे पास जो है प्याज जो है वो पहले से फ्राई करके रखी हुई है। ये हम सारी प्याज डाल देंगे और ये सारा मसाला, और ये जो मैंने कच्ची प्याज रखी है ये भी मैं डालूंगी। इसके अलावा मैं लहसुन डालने वाली हूँ। लहसुन मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ इसके अंदर, और नमक, ये नमक हम डाल रहे हैं, और मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। और अब मैं कुकर को बंद कर रही हूँ, ये चूँकि टाइमिंग सेविंग रेसिपी बना रही हूँ मैं आपको जल्दी जल्दी चढ़ाने वाली। तो आप जो लेडीज जो हैं वर्किंग होती हैं उनको ये करें कि पहले एक संडे में या किसी छुट्टी वाले दिन एक कट्टी प्याज फ्राई करके रख लें, और इस तरीके से 5 मिनट लगते हैं जो मैंने आपको रेसिपी बताई, 5 मिनट लगते हैं इसको सालन को चढ़ाने में। और अब मैं कुकर को बंद करने जा रही हूँ। कुकर को मैंने बंद कर दिया है, जब सीटी बोल जाएगी, मैंने आँच तेज़ कर दी है कुकर के नीचे, जब सीटी बोल जाएगी तो मैं इसको आँच को हल्की कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको गोश्त गलने में, फिर हम इसमें बैगन डालेंगे। इतने कुकर की सीटी बोलेगी इतने मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैगन मैं किस तरीके से डालने वाली हूँ। पहले ही आपने ये डंठल अलग कर लेने हैं। बाज़ घरों में होता यह है कि बैगन जिस दिन पकते हैं तो बच्चे कहते हैं हम नहीं खाएंगे, बच्चे बैगन पसंद नहीं करते, और बहुत बाज़ बड़े भी बैगन पसंद नहीं करते हैं। तो बैगन जब भी आप पकाएं, उसको पकाने का तरीका यह है कि आप जिसके जो छिलके हैं ये छिलके उतार दें ऐसे करके, क्योंकि जो जब हम बैगन को छिलके समेत डालते हैं तो छिलके की वजह से ही सालन का मज़ा जो है वो सारा ख़राब हो जाता है, यही सालन को जो है कड़वा कर देता है। तो अगर हम बैगन को छील लें इस तरीके से, ये देखिए, और इसको हम पीसेस में काट लेंगे ऐसे, ये देखिए। और मैं आपको बता दूं, कभी भी जो है जब भी आप बैगन पकाएं हमेशा ये पतले वाले बैगन ही लें, इसका टेस्ट जो है गोला बैगनों से ज़्यादा अच्छा होता है। गोला बैगनों से इसका जो टेस्ट है ज़्यादा अच्छा आता है। और जब भी आप बैगन ख़रीदने जाएं यही वाले बैगन ख़रीदें। मैं इतने ये कर रही हूँ कि सारे बैगन छील के इनको काट के आपको दिखाऊंगी। ये मैंने बैगनों को काट के छील के और काट लिया है इस तरीके से। और जब भी आप कोई आलू में पकाएं या खीमे में पकाएं या बोटियों के साथ में पकाएं तो आप छील कर ही उसको पकाएं। इस तरीके से पता भी नहीं चलेगा खाने वाले को कि उसने क्या खाया। हमारे वालिद साहब भी बैगन नहीं खाते थे, हमारी वालिदा जो थी वो इस तरीके से बैगन पका देती थी। हमारे वालिद साहब खाना भी खा लिया करते थे और उनको पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने क्या खाया। खाने के बाद पूछते थे कि ये क्या था, इतने ये टेस्टी हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैं बैगनों के साथ में ही टमाटर और अदरक हरी मिर्च भी डालने वाली हूँ। ये सीटी बोल गई थी और मैंने धीमी आंच कर दी थी, और 10 मिनट हो गए हैं धीमी आंच के भी, और मैं कुकर को खोलने जा रही हूँ।
और ये जो सालन बोटियां अब गल गई हैं, मैं इसको ये जो आप शोरबा देख रहे हैं इसके अंदर मैं इसको अब मसाले की बुनाई करूंगी। जब सालन बुन जाएगा तब हम इसके अंदर बैगन और टमाटर और अदरक हरी मिर्च डालेंगे। मैं आपको बता रही चलूँ, अगर आप दही डालना पसंद करते हैं तो बैगन में दही भी डाल सकते हैं और टमाटर दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। मैं आज से टमाटर डाल रही हूँ। अब मैं इसकी भुनाई करने के बाद फिर इसमें बैगन डालूँगी। सालन भुन चुका है और अब मैं इसमें ये बैगन डाल रही हूँ। अदरक हरी मिर्च और ये टमाटर। मैं कुकर को दोबारा से बंद कर रही हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। और जब ये गल जाएंगे बैगन तो मैं जो ये बैगन पानी छोड़ेगा मैं इसको दोबारा से इसकी बुनाई करूंगी। अभी जब सीटी बोल जाएगी तो मैं आँच हल्की कर दूंगी और कम से कम 5 मिनट के लिए मैं इनको बैगनों को गलने दूंगी धीमी आँच पे। फिर हम कुकर खोलेंगे। बैगन को गलते हुए 5 मिनट हो गए थे और कुकर के अंदर, तो अब फिर मैंने कुकर खोल दिया है और ये देखिए ये बैगन बिल्कुल गल चुके हैं। आपने करना ये है कि इसको बिल्कुल घोट देना है इस तरीके से और बोटियाँ ना टूटे। मैं बैगन को बिल्कुल कुचल के आपको उसकी भुनाई कर लेनी है। अब मैं इसकी भुनाई करने जा रही हूँ। ये बैगन गोश्त की मैंने भुनाई कर दी है और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। ये बैगन गोश्त मैंने सर्व कर दिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।